ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा पेपर से आप कैसे एक क्रो बना सकते हैं। देखिए आप एक डिज़ाइन ये है, ये दो तरीके क्रो में आपको आज बनाना सिखाऊंगा। ये बहुत ही आसान है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए शेप, कटर, पेंसिल, ग्लू, मार्कर, सीजर, पॉइंट, स्क्रैप बुक, आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं जिस कलर की आपको बनाना चाहते हो आप। सबसे पहले इसको बीच में से फोल्ड करेंगे, इसको ओपन करेंगे, शेप की मदद से कटर को काट लेंगे बीच में से। ट्राइंगल शेप में फोल्ड करेंगे, प्रेस करेंगे, नीचे का हिस्सा है वो काट देंगे। इसके बाद हमारे पास इस तरह की चौरस कल शीट हमें दिखाई देगी, इसको दूसरी तरफ फोल्ड करेंगे। ओपन करने से क्रॉस का निशान दिखाई देगा। आप इसको दोबारा से ध्यान रखें कि ये बड़ी अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए। जितना तीखा होगा उतनी ही इसकी चोंच तीखी बनेगी। इस वाले सिरे को यहाँ तक फोल्ड करेंगे, इस वाले सिरे को भी यहाँ तक फोल्ड करेंगे। अब इसके बाद इसको बीच में से हल्का सा ओपन करेंगे, ये सिरे खुल जाएगा। इसको दोबारा प्रेस करेंगे, ये वाला सिरा जो है अलग से पाएंगे और इसको अलग से इसको ऐसे प्रेस करेंगे और इसको नीचे की तरफ मोड़ेंगे। इसको पीछे की तरफ प्रेस करेंगे हल्का हल्का। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, हल्के आप से दबाएं, पेपर फटना नहीं चाहिए। अब इसको ऊपर की तरफ से हल्के से की चूंच बन के तैयार हो गई है। इसको नीचे से प्रेस करेंगे, अगर कोई स्टेप नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको अलग से सिखा दूँगा। देखिए फ्रेंड्स, ये ऑलमोस्ट बन के तैयार है। इसको ऐसे पकड़ते ही जाएंगे तो ये आवाज निकलेगा। देखिए काम काम, हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए मार्कर, मार्कर के इसकी आँख बनाएंगे। आँख बनाने के लिए बिंदी लगाएंगे और उसके ऊपर ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे। चूँच के लिए हम इसको तो इससे भी ठीक है, अगर इस तरीके से ही खेलना चाहते हैं तो भी ठीक है।
जाए। देखिए का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। अगर आप कोई कलरफुल पक्षी बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकती हैं। हाइलाइटिंग कर सकते हैं।